हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, पिछले साल हमारे बिहार में विधानसभा के चुनाव थे और इस चुनाव के दौरान एक समय ऐसा आया जब बिहार में जो उद्घाटन है उनका एक सिलसिला चालू हुआ। चाहे हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हर व्यक्ति ने अपने अपने लेवल पर उद्घाटन किए। मोदी जी ने कई सारे रेलवे से जुड़े परियोजनाओं का उद्घाटन किया, चाहे हम बात करें विद्युतीकरण की, नई ट्रेन की, या फिर हम बात करें दोहरीकरण की। लेकिन दोस्तों, कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनका उद्घाटन तो कर दिया गया लेकिन उनका जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ था और अभी तक नहीं हुआ है। अब दोस्तों, 11 अगस्त को बिहार आने वाले हैं और खासकर मुजफ्फरपुर आने वाले हैं देश के रेल राज्य मंत्री, और यहाँ पर आके वो कई सारे तोहफे देने वाले हैं मुजफ्फरपुर को और बिहार को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि 11 अगस्त को ऐसा क्या है कि हमारे देश के रेल राज्य मंत्री, जो कि रेल मंत्री से ठीक नीचे आते हैं, वो मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। यहाँ पे आके वो क्या सब तोहफे देंगे पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले वीडियोस करूँ मेरा आपसे आग्रह, यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें तो अभी हमारे देश के रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे हैं जो कि मुजफ्फरपुर आने वाले हैं 11 अगस्त को। दोस्तों, यदि हम 11 अगस्त की बात करें तो इसी दिन देश के एक महान क्रांतिकारी और शहीद खुदीराम बोस की जयंती है। दोस्तों, इसी दिन खुदीराम बोस जी को मुजफ्फरपुर में फांसी पर लटका दिया गया था और उसी दिन जयंती को मनाने के लिए मुजफ्फरपुर आने वाले हैं देश के रेल राज्य मंत्री। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर उनके कार्यक्रम की बात करें तो एक बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के ठीक पास में स्थित खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन पे होने वाला है और इसी के साथ साथ वो मुजफ्फरपुर जंक्शन को कई सारे तोहफे देने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम पहले तोहफे की बात करें तो अभी मुजफ्फरपुर जंक्शन पे 2 नए प्लेटफॉर्म्स का निर्माण हो रहा है, जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन उसके कंप्लीट होने की डेडलाइन 31 जुलाई थी जो कि बीत चुकी है। अभी तक मात्र 40% से कम काम हुआ है। यहां पर रेलवे ने फिर से एक डेडलाइन फिक्स की है 10 अगस्त की। दोस्तों, 10 अगस्त तक दोनों ही नए प्लेटफॉर्म की ढलाई का कार्य कर लिया जाएगा और 11 अगस्त को रेल राज्य मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि ये 2 तोहफे होंगे। और इसी के साथ साथ इस दोनों ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है, 2 नए फुट ओवर ब्रिज का, जिसकी सीढ़ी निर्माण का कार्य 10 अगस्त तक किया जाएगा और फिर 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त को रेल राज्य मंत्री इसका भी उद्घाटन करेंगे। अब दोस्तों, हमें देखना होगा कि यहाँ पे और क्या तोहफे मिलते हैं, क्या कोई नई ट्रेन दी जाती है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।